हमारी भी तरफ करना इशाराया रसूल अल्लाह। भैया जी की मोहब्बत जी, खरबूजा कैसे है? बहुत मच। अरे भैया सेब कैसे है? असल को व्यूर्स कैसे, उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत के साथ होंगे। मैं भी खैर वाफियत के साथ हूँ। और आज है 27वां रमजान, सबको 27वें रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। भाईजान की कॉल आई थी कि भैया जी जल्दी से आओ, फ्रूट शूट लेके आते, क्योंकि 27वां रमजान है और हर कोई चाहता है कि उसके यहाँ अच्छे से जो है ना अफ्तारी हो सबकी, मतलब आस पड़ोस जो हमारे जो हमसाए वगैरह सबके साथ हो। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जा रहे हैं मार्केट में भैया जी के साथ और वहाँ से लाने वाले हैं फ्रूट। तो देखते रहिए देसी मीर। बड़ी खूबसूरत आवाज़ मुझे दिखी है तो सोचा थोड़ा सा इनको फिल्माइज किया जाए। तो प्यारे भैया थोड़ा सा हो जाए। ये नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या हबीब अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या हबीब अल्लाह। खुदा गर तुमसे फरमाए के लाओ अपनी उम्मत को, हमारी भी तरफ करना इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ ये नात कलाम जो है ना पेश कर रहे थे। तो मैंने सोचा अपने व्लॉग का एक हिस्सा बना दें। आज है 27वां रमजान और हम जा रहे थे फ्रूट शूट लेने के लिए, लेकिन भाई का हक बनता है। भाई जो है ना अभी थोड़े से ऑलराउंडर ड्राइवर हैं, समझ सकते हैं आप, थोड़ा सा ट्रेन कर रहे हैं इनको। चले तो न्यूज़ वाले ब्लॉग वाले, हाँ भैया जी कहते हैं हम न्यूज़ वाले, मैं कहते हैं भाई ब्लॉग्स वाले हैं। मार्केट के अंदर पहुंच चुके हैं चाचो, है जी दो सौ रुपये किलो। ये जो खरबूजे का जो रेट जो है ना वो 200 रुपये किलो है। इसको मोस्टली जो होता है ना कि आजकल जो ना फीके शीके आ रहे हैं चाचे, नस्ल सारी एक जी है। अच्छा जी, देखो प्यार मोहब्बत रेट पता कर लिए। अरे भैया सेब कैसे है? और वो दूसरे वाला 350 रुपये। और यहाँ पे जो एक और खरबूजे वाला जो है ना ठेला है, भैया जी खरबूजा कैसे है? How much? 200 रुपये। अभी मार्केट के अंदर थोड़ा सा चहल कदमी कर रहे हैं, डिफरेंट ठेलों पे जाएंगे, वहाँ पे रेट पता करेंगे रेट क्या चल रहे हैं। अच्छा जी, तो तकरीबन जो है ना रेट जो है ना मिलते जुलते हैं। तो 27वां रमजान है, सोचा कि थोड़ा सा कुछ कंसेशन होगा, प्यार मोहब्बत होगा। और भैया जी अभी जो है ना यहाँ पे रेट पूछ रहे हैं। पहले भैया क्या बताया इस एप्पल का? 250 कन्फर्म है ना? ये स्टोरी है, हाँ गोश्त भी, मुर्गा भी लेना है, गोश्त भी लेना है। पहले ये फ्रूट का लेते ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हो? ठीक। काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, रश, क्योंकि जैसे जैसे ईद जो है नज़दीक आ रही है तो हर तरफ ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक जो है ना वो जैम हो रही है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं ये बैक साइड पे, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है, और ना मुश्किल ये मोड़ अहमदाबाद का ये बाज़ार है। ये बहुत कदीम बाज़ारों में से कदीम बाज़ार है, इसको अहमदाबाद अटैच होता है, लेकिन काम की इससे ज़्यादा जो है ना वो तरक्की कर चुका है। ये जो मस्जिद जो है ना ये वांडो साइड पे अहमदाबाद और क्या कहते हैं कैमन कोर्ट की तरफ ये जाते हैं, यहाँ से जो है ना अहमदाबाद पसरू रोड जो है ना यहाँ जाता है। और अभी हम जो जा रहे हैं रमज़ान बाज़ार का रेट देखते हैं, बाहर का रेट आपने देखा है, रमज़ान बाज़ार का रेट देखते हैं वो क्या चल रहा है। ये यहाँ पर रमज़ान बाज़ार चल रहा है,
भाई के हमने रेट देखे हैं रमजान बाजार के रेट देखते हैं, रमजान बाजार के क्या रेट चाह रहे हैं भैया जी से पूछते हैं स्टार्टिंग से ही। माल्टा की में खरबूजा अलग रेडी अलग रेडी 250 रुपये केला 200 रुपये 50 रुपये दर्जन और ये खरबूजा 200 रुपये दर्जन 200 रुपये किलो ये रमजान बाजार के अंदर का ये व्यू है। यहाँ पे काफ़ी ठेले लगे हुए हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से शायद जो इनको ना जो रेट दिए जाते हैं वो कंफर्म हो गए यहाँ पे। बाहर के भी रेट आपको हमने दिखाए हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें प्यार मोहब्बत मिलती है या नहीं मिलती है। भैया जी जो अभी ना इनके साथ जो बातचीत कर रहे हैं और तब तक मैं आके थोड़ा सा कंफर्म करता हूँ क्या कर रहे हैं। अरे हाय प्यारे भैया ये कैसे है यार? 150 किलो और वो ऊपर वाला 200 उसमें प्यार मोहब्बत कंसेशन कुछ 180 हो जाएगा। चलो जी और क्या आपके पास? यही है बस। चलो थैंक यू जी। वीर जी वाइट सेब है थोड़े को? नहीं है। केला की में लाया जे? केला 400 दर्जन। ये 400 रुपये दर्जन और उस तरफ जो पड़ा है वो 300 रुपये दर्जन है। आपको ये बता देते हैं यहाँ पे ये 300 रुपये दर्जन है और जो सामने जो पड़ा हुआ है वो 400 रुपये दर्जन है। और खरबूजा क्या लगा है? 200। और जो खरबूजे का जो रेट जो तकरीबन जो है ना एक जैसे ही मिल रहा है। बाहर का रेट भी एक जैसा है और अंदर का रेट भी एक जैसा है। 200 रुपये किलो मिल रहा है कहीं पे। अगर कुछ छोटा साइज है ना तो वो आपको 150 रुपये मिल रहा है, लेकिन तकरीबन जो रेट जो है ना मिलता जुलता मिल रहा है। भैया जी ने अभी जो केले छेले करवा रहे पहले भैया जी के हो जाएंगे फिर बाद में जो है ना। भाई जी ये माल्टा की मेजे 200 रुपये दर्जन और ये वाइट वाला सेब और दूसरा वाला 250। केला कैसे दर्जन है? 150 वाला कौन सा? 200 कौन सा? वो ऊपर वाला कौन सा? कितने का है ये? 200 रुपये दर्जन है। भैया जी केला ही पाना जे उल्टा कोई 2-3 दर्जन। चलो परेशान हो गए हो की गल है? ये यूट्यूब चैनल है व्लॉगिंग है। ओ जबरदस्त यार अनार है। कितने का अनार? अनार 1000 रुपये किलो। अच्छा तरबूज भी आ गए हैं। दुआना की वजह दुआना 450 एक पीस ये किलो एक पीस। चलो मैं यहाँ से बाइक कर रहा हूँ प्यारे भैया जो है ना वहाँ से बाइक कर रहे हैं ठीक है ना। जो आवाम जो है ना वो जोग का जोग जो है ना बाज़ारों की तरफ आ रही है। और जी कैसे हो जी? ठीक हो? ज़बरदस्त। मार्केट में जो है ना तरबूज अभी आ चुका है और अभी थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है। जैसे ही थोड़ा सा गर्मियों का सीज़न आ जाएगा थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ना मतलब अभी जो ये एक पीस जो है ना 450 का ऐसे कुछ मिल रहा है ठीक है। लेकिन जब खेतों वालों के पास जो एक्स्ट्रा माल हो जाएगा तो फिर यही 100-200 का ये मिलेगा। तो भैया जी कितने हो गए हमारे पैसे? भैया जी की मोहब्बत वजनी हो गई है जी। जाना मुश्किल है थोड़ा सा। मोहब्बत सच्ची है भैया जी दाल मुश्किल भैया जी मोहब्बत सच्ची है। सो यहाँ पे जो है ना हमारे पास रिक्शे वाले भैया हैं जी। रिक्शे वाले भैया जी हमारे साथ आपने चलना है? अच्छा खान पीछे होते यार। अच्छा प्यारे भैया यार तुम ये प्यारे भैया जो है ना चैनल की वजह से हमारे साथ बड़ा प्यार मोहब्बत किया है, कंसेशन किया हमारे साथ। तो ये हमारा देख के भाई कहीं दांत ना बाहर आ जाए यार। अच्छा चलो जी ठीक है। अच्छा पका तो काम है। अल्लाह पाक खैर करे जब। ओ
हमारे प्यारे भैया जी कैसे हैं? रमजान मुबारक। ये हमारे प्यारे भैया जो नात खवा हैं, क्या खूबसूरत बात। आपने मेरे चैनल पे देखी होंगी इनकी जो है ना वॉइस, तो अल्लाह सलामत रखिए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कंटेंट है इनका, अल्लाह पाक कामयाबियां अता फरमाए। हाँ जी, ऑर्डर दे छड़े जी। चलो कि दसा कि अड्डी घट पानी है। नहीं उस दिन वीर ने, उस दिन वीर ने काफ़ी पा छड़ी हड्डियाँ मेरे अज। हाँ सो फिर गोश्त वगैरह भी हो गया, हमारे पास फ्रूट वगैरह भी हो चुका है। जो जो हमें रिक्वायरमेंट थी, जो हमें ऑर्डर दिया गया था, वो हमने सब कुछ ले लिया और भैया जी को बोला चलते हैं, और मैं रिक्शे के साथ चलता हूँ। शायद रिक्शा अकेला भी चल सकता है, लेकिन देखते हैं कुछ करते जी। मैंने जो है ना अभी गाड़ी चेंज कर ली है, बाइक के पे नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रूट वगैरह हमारा पड़ा हुआ है गाड़ी के अंदर गिर ना जाए। तो मैंने भैया जी को बोला आप चले और मैं रिक्शे पर बैठ के आता हूँ।